Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. For my film. I think Akshay makes good films with a lot of content, so I can only wish him all the best because I really love him, and I'm sure he'll do a fantastic job in this film, and Toilet will be a very good film. Yeah, I'm sure it'll do well. I think इनके जो producers भी हैं क्रियाज, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ परमाणु में, और अक्षय भी काम कर रहे हैं रुस्तम में भी, अक्षय ने इनके साथ काम किया है. I think content के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं इन लोग, और Toilet is also going to be a film with a lot of content, so definitely it'll do well. आई होप, क्योंकि आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बहुत ही रेलिवेंट है आज के तारीख में, एंड आई थिंक व्हेन वी आर लिविंग इन द 20th century 21st century, आई थिंक देर इज़ अ लॉट ऑफ जेंडर बायस जो नहीं होना चाहिए, तो आई थिंक इट शुड चेंज द माइंड सेट होपफुली. Nothing. I'm a proud Indian, and I'll always be a proud Indian. Or I always say this: the most valuable possession I have is the Indian flag in my wardrobe. So I'm probably very patriotic, and I'm proud of it. So happy Independence Day to every Indian out there. Be proud to be Indian. हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज स्वच्छ भारत सैनिटेशन को लेकर बहुत चर्चा में है, क्योंकि इट्स वेरी नेसेसरी हमारी सोसाइटी के लिए ताकि क्लीन रहे, और ख़ास करके औरतों के लिए कि घर में एक टॉयलेट होना चाहिए, नहीं तो उनको बाहर जाना पड़ता है, दे हैव टू, बहुत सारी दिक्कतें हैं औरतों के लिए टू गो टू अ टॉयलेट विच इज़ आउटसाइड. तो मुझे लगता है बहुत ही रेलेवेंट है, एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट. आपने प्रोमो देखे? मैंने आई एंजॉयड द प्रोमोज वेरी मच, बहुत मजा आया देखकर, और आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग दिस. We'll talk about that when we talk about that. Thank you. Thank you.
Yes, I'm very surprised with the title because ek love story ke liye toilet ye word hai with a love story. So it's very different, it's very innovative and I think it's very topical and that's what is attractive. अरे यार चिल्ला रहे हैं तुम लोग क्या विचार एक्चुअली राइट नाउ मैं एकदम नम हूँ कुछ समझ नहीं आ रहा हमारी पहली स्क्रीनिंग हुई थी दिल्ली में उसका इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था दैट आई एम स्टिल लाइक सॉर्ट ऑफ कैचिंग माई नर्व्स एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड वेरी नर्वस एंड आई रियली होप एवरीबडी इन्जॉयज द फिल्म इस तरह का रोल करना कि कई इसमें जो सीन्स डिपेक्ट किए गए वो भी एक करेज चाहिए होता है उनके लिए यू नो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर आर सोसाइटी एंड आई थिंक मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हो सकी हूँ एंड स्पेशली औरतों के लिए मैं एक मॉडर्न इंडियन लड़की हूँ और जब आप फिल्म देखेंगे आपको रियलाइज़ होगा कि ये औरतों के लिए औरतों के हित में कितनी है फिल्म बट बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि काफ़ी सीन्स है फिल्म में जो एज अ गर्ल मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट पे बहुत ही हर्ट हुई थी बट ज़्यादा नहीं बोलूँगा फिल्म देखेंगे तब आप रियलाइज करेंगे बट या जस्ट एंजॉय फिल्म ट्रेड को बहुत अपेक्षा है इस फिल्म से क्योंकि कुछ जो थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है आप लोगों की क्या सो आई रियली होप कि हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खड़े उतरे बट यू नो द इंटेंशन बिहाइंड दिस फिल्म इज़ वेरी नोबल हमने बहुत ही मेहनत की है बहुत ही प्यार से ये फिल्म बनाई है एंड मैं यही चाहूँगी कि जितने लोग हो सके हिंदुस्तान में उतने लोगों तक ये फिल्म पहुँचे क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी फिल्म है कितने करोड़ एक्सपेक्ट कर रही हैं आप हाँ Yes, I want to wish everybody a very happy Independence Day. We are a very young economy, we are a very young democracy and together we need to strengthen our country and go forward and turn it into the amazing country that it is, a very happy Independence Day. Ma'am, aap kitna first day expect kar rahe collection agar aap baat kare? Sir, honestly, mujhe collections wagaira samajh hi nahi aati, sirf meri dusri film hai, meri pehli film, ek choti si film thi, so I don't know. I really hope jo bhi figures hote hai, wo टॉप ही हो क्या आपका जो मन करे आप रख लो आई थिंक सो जी जी आई होप हाँ वो आ रहे हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो एक्चुअली पहुँचने वाले होंगे आप उनसे पूछिएगा आपको क्या लगता है बहुत अच्छी लग रही है थैंक यू सर अरे सवाल तो पूछने Personally or professionally, I think the only thing that I would see, I mean, I'm being very honest, I'm very lucky, I come from a family where we were given freedom at every level, but I really hope that the inequality that women face in our country, that if slowly and steadily diminishes, definitely today that's the kind of freedom we need in our country. Now, about your look, मेरी बहुत ही बढ़िया स्टाइलिस्ट है आस्था शर्मा मैंने थिया का आउटफिट पहना है देखिएगा और आई होप यू गाइज एंजॉय इट या थैंक यू सेंटर में या कुछ कर ले
बहुत अच्छा प्रोमो है टॉयलेट पे ऑफ कोर्स, इसकी वाइब बहुत अच्छी है और आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म बिकॉज जिस तरह के सब्जेक्ट्स अक्षय से चूज कर रहे हैं, भूमि जिस तरह के सब्जेक्ट्स चूज कर रही है, आई एम रियली प्राउड ऑफ द चॉइसेस। मूवी से बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं क्योंकि बहुत ही कॉन्सेप्ट ड्रिवन फिल्म है और ओपन डेफिकेशन काफ़ी प्रॉब्लम है हमारे हमारी कंट्री में, एंड आई थिंक आई एम ग्लैड इस सब्जेक्ट पर फिल्म बनी है। आपको लगता है कि माइंडसेट चेंज कर पाएगी ये फिल्म? ऑफकोर्स जो फिल्म्स होती हैं वो ओपिनियन लीडर्स होती हैं हमारे कंट्री की, सोसाइटी में काफ़ी कुछ चेंजेस लाती हैं, एस्पिरेशन कहा जाता है फिल्म्स को हमारी, एंड दिस इज वन ऑफ दोस फिल्म्स जिसको देख कर चेंज जरूर आ सकता है। सर आपको लगता है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में धमाल मचा पाएगी? बिल्कुल धमाल, एज अ कलेक्शन वाइज बिल्कुल धमाल बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी क्योंकि कॉन्टेंट बेस्ड सिनेमा आजकल ज़्यादा चल रही है, जेनेरिक फिल्म्स कम चल रही हैं, तो आई थिंक दिस इज़ हाई ऑन कॉन्सेप्ट। हाँ अंदर चलेगी वो, स्टार्ट हो गई क्या फिर? हाँ भूमि को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ उसकी फिल्म बहुत अच्छा करे, हमारी अगली फिल्म भी साथ में शुभमंगल सावधान, तो आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस फिल्म एंड आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट सक्सेसफुल हो, कि अगली फिल्म भी हमारी कॉन्सेप्ट बेस्ड फिल्म है। जी अब क्या करें, आजकल विंडोज थोड़ी कम मिलती है फिल्म को लेकर, लेकिन अगर फिल्में अलग हैं तो हर एक के लिए जगह बन सकती है। भूमि के ऊपर तो भूमि अपनी जो भूमि है, फिल्म भी बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू। या वी आर सेलिब्रेटिंग 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, सो आई वुड लाइक टू से कि हाँ हमने आज़ादी की इज्जत करनी चाहिए, उसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ठीक तरह से निभानी चाहिए। आई थिंक फ्रीडम टू डू ओन थिंग, आपको हक है अपनी तरह की आर्ट करने का, अपनी तरह की फिल्में करने का, अपने तरह के गाने गाने का, अगर वो आपको कहीं लेकर जाती है तो नथिंग लाइक दैट। नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, थैंक यू गाइस, थैंक यू। Have you seen the promo and how is it? Yes, of course I've seen the promo and that's why I really am looking forward to watching the film. I'm here especially for Kriyaj Entertainment because we're working with them, and Prerna and Arjun are really very brave to make stories with such great content, and I'm really looking forward to it. What's your expectation? Sorry? Your expectation? What I'm expecting it to be really, really, really good. Thank you. I really hope so. I think it's a very relevant subject और मतलब बहुत basic need है जो शायद बहुत लोगों को अभी भी नहीं मिलती है, and I'm so glad that something like this is coming through cinema to people. Have you seen the promo? How is it going? I spoke about it. Okay. कृति आपको लग रहा है कि काफ़ी दिनों से बॉक्स ऑफिस पे जो थोड़ा सा मतलब नॉट सो गुड फिल्म है, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दिस फिल्म रिलीजिंग टुमारो? या डेफिनेटली आई थिंक आई मीन इट इज़ अ फिल्म दैट I feel promises good content and as well as entertainment, like I said, and I really hope that I mean a lot of people go and watch this film because it's very important to our society today, and I'm really looking forward to watching the film. Honestly, ek hafte baad hi aapki film bhi aa rahi hai, aise premiere bhi hoga uska? Hopefully kuch screening wagera to hogi, but kab hogi, kya hogi, ye production house abhi they are taking care of it, main abhi promotion mein lagi hui hu. आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, फ्रीडम का मतलब बहुत कुछ होता है, फ्रीडम ऑफ यू नो डूइंग व्हाट यू वांट टू, वेयरिंग व्हाट यू वांट टू एज अ गर्ल, आपको जो काम करना है, जो करियर अपनाना है,
जिससे शादी करनी है, ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें आई थिंक लड़कियों के लिए एक अलग रूल बुक होती है आज भी बहुत पार्ट्स ऑफ इंडिया में. सो आई थिंक वो फ्रीडम, एक जो इक्वालिटी है, वो वाली फ्रीडम, आई थिंक दिस फ्रीडम ऑफ सोच जो है वो अभी भी आनी बाकी है काफ़ी हद तक. उसके साथ साथ फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आता है तो क्लैश हो रहा है थोड़ा सा. नो दे डोंट, दे एक्चुअली डोंट. आई थिंक लोगों का काम है कहना, तो आई डोंट थिंक यू कैन एवर स्टॉप दैट. बट या यू कैन हैव अ फिल्टर फॉर योर सेल्फ. And you can block people, you have options of blocking people. So if somebody is really adding negativity to your life, just block that person. Very Muslim and smart answer. Yes. So ek independence day wish bhi de diye. Diya hai. Ek bar independence happy. I just want to wish all the viewers a very very happy independence day. Thank you. Jai Hind. Aap jaye usse pehle mobile rakh ke taraf bhejiye, matlab mobile aa gaya footage. Mobile niche. Good evening. I love the trailer, so I'm expecting great things from this film. I really, really love the trailer. What do you want to think about the topic? Yeah, it's such a good cause. But we know that finally movies have to be entertaining. And I think this movie has got the right mix of both entertainment and a great social message. So I'm really looking forward to it. No, I think if there's any film that can break it, it's this one, because I think it's a very very entertaining film and it's got a great message. So I'm really looking forward to watching it. जी हम बिल्कुल कंसर्न्ड हैं, बिकॉज़ इट इज एब्सोल्युटली कंसर्निंग, बिकॉज़ द फैक्ट इज दैट क्रिएटिव एक्सप्रेशन इज बीइंग स्टाइफल्ड इन दैट मैनर, एंड वी होप दैट द अथॉरिटीज टेक दिस वेरी सीरियसली. थैंक यू. आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम एक्साइटमेंट. आई रियली लाइक द ट्रेलर, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म लग रही है. तो जब मैंने ट्रेलर देखा, मुझे फिल्म देखनी थी, तो लकी मुझे फिल्म का आनंद मिल गया. यार मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में बहुत बड़ा माध्यम होता है लोगों तक. मुझे लगता है कि फिल्मों से ना आप कोई भी इशू अगर लोगों तक पहुंचाएंगे, वो बहुत जल्दी लोग समझ सकते हैं और ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं. सो आई थिंक फिल्में ऐसे बननी चाहिए इश्यूज पे, बिकॉज ज़्यादा लोग देखेंगे, ज़्यादा लोग चेंजेस अपने लाइफ में अडॉप्ट करेंगे, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग. बस एक स्केड्यूल हुआ है अभी और थोड़ा बाकी है काम. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा. वो तो आपको फिल्म देख के मालूम पड़ेगा. कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, खुशी से मनाओ. मुझे तो ऐसे कुछ फ्रीडम, मैं मतलब आई फील दैट आई एम क्वाइट फ्री इन लाइफ. नोबडी स्टॉप्स मी फ्रॉम एनीथिंग. मैं जो चाहती हूँ मैं करती हूँ. मुझे किसी चीज़ से डर नहीं लगता, किसी से डर नहीं लगता. विश वंदे मातरम. हैप्पी इंडिपेंडेंस.
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस यार मुझे ना फ्लैश लाइट से प्रॉब्लम है नहीं बट इतनी सारी आ गई I think it's fabulous and I'm really excited to watch the film and I'm just hoping that I'm just really excited about it. Yes, it does. Honey, look at the standard scene. I'm sorry? I think it is. Our movies are a reflection of what the society is all about, and they do reflect a lot that's already going on in our society. So it's just mere reflection of it, and I'm really looking forward to it because I've heard a lot of good things. I've seen the promo. I'm quite kicked. Bhumi is a friend, so I'm all here to support. And Akshay is a fabulous actor. All Yashraj people. Hey. Yeah. Achha, quickly ask, should I go? Yeah, I don't want to miss my first scene. Quickly. Okay. Yeah. All there. 5th August, CMI. Do you think you are Swatantra? Am I patriotic? Haan, main hoon, but Swatantra. Vani, anything you want freedom from? 23rd August is my birthday. You guys can also wish me. August is such a auspicious month. Not bigger than Independence Day for sure. Anything you want freedom from personally or professionally? A lot of things. Right now I just can't think of anything. Freedom from negativity, I guess. Negativity. Yeah. Happy Independence Day, guys. And to you also, Sumit. I know, it's always Arman. Hi. Anya. Thank you so congratulations. Much. Congratulations. Thank you so much. Please finish your bite and I'll see you. Okay, for sure. How are you? Good evening, both of you. Good evening. First premiere? Yeah. Yeah. Official. Yeah. Yeah. Officially.
जी 25 अगस्त को प्रीमियर। हाँ प्रीमियर बिल्कुल। Definitely, I think it's a very educational film. Films like this should be made, and it's being made. I'm just very excited to see it now. And it deals with the social cause, which is very important. So it's a good thing about. जी ऑफ कोर्स ये फिल्में एक बहुत बड़ी मीडियम है जिसे आप लोगों तक पहुंच पाते हो तो आई होप दिस मेक्स अ डिफरेंस जी बिल्कुल या फॉर श्योर आई मीन फिल्म्स आर सच अ बिग प्लेटफॉर्म टू एंटरटेन पीपल टू स्प्रेड अ मैसेज स्प्रेड अ वर्ड सो आई थिंक विद दिस फिल्म डेफिनेटली कुड टच अ लॉट ऑफ पीपल And I hope it does, you know, it's a and honest effort. And creates awareness also. Definitely, it's an honest effort by Prerna Arjun, Akshay sir, the entire team. I hope people come and watch it and I'm sure it'll do very well. Thank you, Jay. Independence Day is also coming. Are you using your Of course, definitely. In such a great place like India, you have the freedom of everything. The freedom of speech, to do what you want, to wear what you want. And it's a great time to be in India. And we must value it, and that is what our movie is about. Yes. So value your freedom. Ka mudda hai ye. To value your freedom, not take things for granted. So yes, very excited for Independence Day. So right now, because my film is just coming out, I'm very excited about it. I haven't thought much about any competition, but yes, I do think that competition is healthy. It motivates you to do better work and encourages you and pushes you forward. So dekhenge aage jaake. I feel the same way. We're so new. Sorry, I feel the same way because hum itne naye hain, kuch planning nahi kiya hai. And healthy competition always enhances your performance and art, I feel. So it's a good thing to be. Of course, in some ways, but we're too new to be scared. We're very excited about the entire journey right now. Thank you. Happy 70th Independence Day. Happy Independence Day, सबको. Thank you so much. Thank you so much. जय हिंद. जय हिंद. आ जाओ थोड़ा सा हाथ हल्का राइट राइट सो लेफ्ट
Excuse me, your center, please. Yeah. I'm right. Hey, right. Sir. Ma'am, excuse me. Yeah. What? All the best to us. Thank you. No, we'll start. Sir, how excited are you? Because every movie has a budget. How much are you excited for? Center, sir. Look, center. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और उससे ज़्यादा नर्वस भी हूँ. After Rustam. Yeah. Now this year. Only 12 hours left. जी. Any apprehension for the film? Like Shri sir said, extremely nervous right now. Definitely घबराहट है और बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि फिल्म अच्छी चले और ऑडियंस को हमारी फिल्म अच्छी लगे. आप सबको हमारी फिल्म बहुत अच्छी लगे फिलहाल. फिल्म ग्रेट. इस फिल्म से काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि जो अभी हाल ही में फिल्म आई उतना ठीक नहीं कर पाई. ये और आपको उम्मीद जगाता? बिल्कुल. अभी हम चाहते हैं कि फिल्म सारी फिल्म अच्छी चलें. सबसे पहली बात है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इंडस्ट्री टू रियली सी लॉट ऑफ सक्सेसफुल फिल्म्स. एंड ऑफ कोर्स विद टॉयलेट वी रियली होप विद द काइंड ऑफ वर्क वी हैव पुट इन आई थिंक हमारी कोशिश कामयाब होगी. अभी के समय में अक्षय कुमार सबसे बैंकेबल स्टार हैं? यश सर तो ऑलवेज ही बैंकेबल स्टार थे जी. है हमारे लिए तो है बिल्कुल. नो डाउट अबाउट इट. कितनी सोच रही हैं आप? जितने आई कांट रियली से. अभी नहीं सोचा है सर. भगवान करे बहुत बड़ी ओपनिंग लगे हमारी फिल्म की. आफ्टर रुस्तम आई होप्स इट शुड क्रॉस द बाउंड्रीज. सो रियली होपिंग फॉर द बेस्ट. एक चीज़ और, लास्ट शेड्यूल बाकी है. कुछ और इन्फॉर्मेशन, इनसाइड इन्फॉर्मेशन? अभी तो टॉयलेट के बारे में बात करें क्या? उसके बारे में डेफिनेटली वेरी वेरी सून. ठीक है चलो. आप सवाल कर रहे हैं ना, इसीलिए आपने इसके बारे में जानने की इच्छा जाहिर की, इसीलिए. क्योंकि संडास बहुत फेस पे आ रहा था. मतलब अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं संडास की, तो नाम लेते ही अजीब सा एक फेस पे एक्सप्रेशन आता है. टॉयलेट थोड़ा सबड्यूड हो जाता है, इसलिए रखा. नहीं बिल्कुल नहीं होती. आज की तारीख में गांव में आप जाइए तो मेरे ख्याल से, मेरे गांव में, जिस गांव से हूँ, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पे आज भी लोग लैटरिन बोलते हैं. तो अगर उनको लैटरिन पता है तो टॉयलेट भी पता है. आज की तारीख में उनके हाथ में फ़ोन है, सब कुछ है, मीडिया इतना वहाँ तक पहुँच गया, तो मेरे ख्याल से उनको इस बात से सबको पता है इस टॉयलेट वर्ड के बारे में क्या है. ये चूँकि फिल्म आपके सामने लानी थी ना, इसलिए मैं स्टूडियो में काम कर रहा था. हाँ जी, बहुत संतुष्ट, बहुत ज़्यादा संतुष्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Hi. Good, good, good. Tell me. Okay, Pooja, have you seen the promo? How is it? I'm very excited to watch this movie. It's such a different concept. Nothing like that has been done before. So, बहुत ही excited हूँ. क्या expectation है movie? हाँ. आई थिंक कि एक तो ये मैसेज तो देल डेफिनेटली बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, बट एट द सेम टाइम आई थिंक कि इसमें ह्यूमर भी, यू नो, देर इज गोइंग टू बी ग्रेट कॉन्टेंट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमर. सो आई थिंक आई कैन आंसर दिस बेटर, दिस क्वेश्चन बेटर आफ्टर आई वॉच द मूवी. गुड इवनिंग. करेक्ट, यस. Oh my God! Why you ask these questions, Hasu?
Yeah, I mean, you know, in terms of, it was a South film, it was a Telugu movie, and it had an Eid release, and it did really well. In fact, in its first week, I think it made 104 crores, which was massive. So it always feels good to have a success, whatever the language may be. Nahi, we thought didn't even look at it that way. I'm just glad people enjoyed the film. Of course, हम एक ऐसी country में है जो in a way we still have our freedom. And I think freedom is also a state of mind, you know. So of course you can always better your country, but I do feel free, of course. ऐसे कुछ नहीं. I think it is more mental, you know, rather than a physical thing. So sometimes, you know, when you think too much, that also can hold you down. So I guess, you know, I'd want to think lesser. Yes, I want to wish everyone a very, very happy Independence Day. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Sir, how are you? Well, I'm expecting a fantastic film, actually. It's very topical, and it's starring one of my favorite actors, and a very enterprising producer duo are also making this film. So I have very high expectations, and I'm looking forward to a fantastic movie, actually. Actually, मुझे लगता है कि ये इस प्रोमो से इन्होंने जो लोग इकट्ठे होकर जो फिल्म बना रहे हैं उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को छुआ है और ये फिल्म एंटरटेनिंग भी होगी और एक बहुत सीरियस मुद्दे को भी छू के जाएगी और जिस तरीके से अक्षय सर की फिल्में होती हैं मतलब वो एक लाइट हार्टेड तरीके से एक बहुत बड़ी बात कह के जा सकती है हमारे देश में इतनी सारी फिल्में बनती हैं मगर या तो कुछ फिल्में अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेती हैं और ऑडियंस की एंटरटेनमेंट को भूल जाती हैं मगर ये वो ये एक यूनिक फिल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट भी नज़र आ रहा है और एक सच इतना रेलेवेंट और इम्पोर्टेंट
टॉपिक को लेके मतलब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है जिससे हमें बहुत सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। I think the concept is definitely very attractive, but when it comes with such a star-studded package, then I think it becomes undeniable and quite explosive. आपकी जो अगली फिल्म है उसमें भी कॉन्सेप्ट मेन और स्ट्रॉन्ग है, इसके बारे में बताएंगे और सारा एंड शॉट जी। अभी मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो मैं इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास एक कहानी होती है जो मैं बहुत कंपेल्ड होता हूँ उसको बोलने के लिए, और केदारनाथ ऐसी एक कहानी है और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि लोगों को भी पसंद आएगी। सारा का क्या परसेप्शन है आपका? आई थिंक मैं अभी तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उसका काम उसी के लिए बोलेगा, मैं क्या बोलूँगा, हम सब काम करके दिखाएंगे और उम्मीद है लोगों को पसंद आए। I mean, you know, a freedom to express my creativity, you know, and my freedom to express my love is very important. And who I love, the way I want to love them, and I think that freedom is most important. My name is Abhishek Kapoor, and I would like to wish every Indian out there a very happy Independence Day. Jai Hind. कौन सा प्रोमो? अरे टॉयलेट, ऑफ कोर्स इट्स अ फैंटास्टिक मूवी, और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी पिक्चर बननी चाहिए बिकॉज कहीं ना कहीं रियलिटी देखने मिलती है, और मैं तो बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ अक्षय का, एंड आई एम डाइंग टू सी दिस फिल्म, एंड ऑल द बेस्ट टू टॉयलेट प्रिंट कथा एंड प्रेरणा, इट्स हर वेंचर, थैंक यू। भूमि ओ इट्स एक्सीलेंट, पीपल आर लविंग इट, एंड इस तरह जो प्यार मिला है ट्रेलर को, एंड रिस्पॉन्स फैबुलस है, संजू कम बैक का है, एंड आई होप एवरीबडी लाइक इट। डिड यू लाइक इट? नहीं नहीं, दुनिया को बहुत अच्छी लगी है और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है, एंड रियली एवरीबडी इज लाइक विशिंग ऑल, कोई नेगेटिव रिपोर्ट्स नहीं मिले तो वो तो थैंक गॉड इट्स नाइस। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज व्हाट यू ऑल एवरीबडी इज वेटिंग एंड वॉचिंग फॉर, यू नो, एवरीबडी शुड बी एबल टू टॉक एनीथिंग दैट दे वॉन्ट विद इन द रीच, ओके, नॉट unnecessarily, but that's the freedom of speech that I long for. If I want to make a film that I like, and people should be able to see that and voice my, you know, real concerns, like Toilet Prem Katha is a real concern for the whole industry and for India. Vande Mataram. Jai Hind. What do you want to do as the bite here? कितना एक्साइटेड है बिकॉज यू नो टॉयलेट नाम से लोग इतने प्रसारित हो रहे हैं। देखिए फिल्म का कॉन्सेप्ट ही इतना अपने आप में इंटरेस्टिंग है, टाइटल उसके आगे, और फिर अब जब लोग फिल्म देखेंगे तो शायद समझ जाएंगे कि पूरी फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। शुरू से कोशिश रही है वाईकॉम में कि हम लोग ऐसी फिल्म करें जहाँ एंटरटेनमेंट हो, फिल्म हो, लेकिन उसके साथ कुछ मीनिंगफुल भी हो,
तो उस हिसाब से दिस बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म बिकॉज इट इज़ सेइंग समथिंग बट सेइंग इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे रेजिंग अ वेरी सीरियस इशू बट रेजिंग इट इन अ वेरी यू नो अगेन एंटरटेनिंग वे सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर अस एंड विद अक्षय इट्स बीन अ प्रीटी लॉन्ग रिलेशनशिप लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप उनसे उनका जो एक नया दौर निकला था स्पेशल 26 से वो हम लोगों के साथ शुरू हुआ था ओ माई गॉड इस तरह की जो फिल्में हमने की है तो मेरे हिसाब से अगर ये एक नया चैप्टर बने हमारी उस रिलेशनशिप में तो आई विल बी वेरी हैप्पी एंड ऑफ कोर्स प्रेरणा हैज़ बीन अराउंड एंड वेरी मेन रीज़न वाई वी आर हियर टुडे सो वी ऑल्सो होप दैट द लेडी लक विल वर्क फॉर वाईकॉम या थैंक यू बड़े लोगों का बाइक सुनाई नहीं दे रहा मुझे। हाँ हाँ हमारा परमाणु प्रोजेक्ट है जॉन अब्राहम के साथ बाजार है प्लस आगे आगे चार पांच और प्रोजेक्ट हैं वो जल्दी अनाउंस करूँगा मैं बड़े सर रुक
आएंगे सर सर हाय हाउ आर यू